2 घंटा चलने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है पेट्रोल भराने के लिए। 65 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और गाड़ी चलाना मतलब ड्राइव करना एक तरीके से फन भी है और खा तो लिया लेकिन मतलब बहुत बेहतरीन नहीं है जिस तरीके से मैं नाम सुनता हूँ। (9:33, 139 किलोमीटर) ठीक है, 4 घंटे भाई लगने वाले हैं और देखते हैं कि हम लोग कब पहुंचते हैं। तो भाई जैसे आप वहाँ से निकलोगे मतलब यहाँ जाने से पहले यहाँ पे एक रामेश्वर मंदिर है, आप देखो यहाँ पे रामेश्वर मंदिर है, यहाँ पे लोग पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पे बैठ के अपनी पेंटिंग बनवा सकते हो, लाइव पेंटिंग भाई। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम का शॉर्ट है, हमें पहुँचना है, 6 घंटा में लग जाएगा, अदरवाइज मैं उतरता यहाँ पे देखता पूछता, पर ठीक है कोई नहीं, आप देख लो कैसा क्या है। वही लगभग 2 घंटा चलने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है पेट्रोल भराने के लिए, 2.25 लीटर बस ठीक है। लगभग भाई 65 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और गाड़ी चलाना मतलब ड्राइव करना एक तरीके से फन भी है और सजा भी है। और भाई छोटी सी नीलू पे मैं इसको ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है, बट इसने मुझे बहुत साथ दिया है, अपग्रेड करेंगे धीरे धीरे भाई क्योंकि पैर दुख जा रहा है, इतना लंबा सफ़र तो नहीं होगा, 100-150 किलोमीटर था तो हो गया, 400-500 करना होगा तो नहीं होगा ना, सुनने में भी एक ड्रीम बाइक हमने प्लान करा भाई, है ना, तो क्या करेंगे तभी नीलू को घर पर छोड़ देंगे गाँव में, और जो मेरी ड्रीम बाइक है मस्त में एकदम ऑफ रोडिंग के लिए मैंने डिसाइड करा है, थोड़ा पैसा होगा भाई तो उसको ले लेंगे फिर, ठीक है चलें, थोड़ा वेट करना और निकलना है, थोड़ा 10 मिनट और रुकते भाई। तो भाई घड़ी में बज रहा है 12:26 और 54 किलोमीटर हमारा अभी डिस्टेंस बचा हुआ है, हम लोग अभी लोनावाला पहुंचने वाले हैं भाई, और ये नीचे आप देखो एक्सप्रेसवे है और ये आपका ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, आप कभी भी गलती मत करना भाई। जब भी मैं आया था भाई मुंबई से लोनावाला आया था मैं 3-4 साल पहले, ये वाला रूट पकड़ के आया था और गया भी था इसी साइड से, वो मेरी गलती थी और मैं लकी था कि भाई बच गया, मतलब किसी के रडार में नहीं आया, पुलिस वाला मेरे को रोक रहा था बट मैं भाग गया वहाँ से, ठीक है, लेकिन आप वो गलती नहीं करना भाई, यहाँ पे आपको 2000 से 5000 पता नहीं कितना फाइन यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है भाई। लोग यहाँ पे आते हैं, अभी तो खैर धूप है, अदरवाइज लोग आराम से आके यहाँ पे बैठते हैं, देखते फोटो वीटो लेते हैं, आगे एक और पॉइंट है वहाँ पे भी लोग देखते हैं फोटो वगैरह लेते हैं। ये देखो भाई कितने सारे बंदर हैं और सरदार को देखो ऊपर बैठ के कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये मंकी पॉइंट के पास में होगा मैं भी, यहाँ पे बंदर दिख जाते भाई नीचे पे बैठे हुए, देखो कितने सारे बंदर हैं, और ये देखो भाई ये मानसून में बहुत हरा हरा हो जाता है, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है पता नहीं, लोनावाला में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, टाइगर पॉइंट होता है और पता नहीं कौन कौन सा पॉइंट है, लायंस पॉइंट है, ये देखो छोटा सा बच्चा उसके पीछे, लेके चलना है उसको घर पे, उसको पाल लेते हैं पेनी लोग के साथ में, कितना छोटा सा है ना, क्या मम्मी घर के लेके जा रही, देख रहे हो ककड़ी है इसको, देखो कहाँ गया वो, तो वो मोटका आया बोला है सब उधर, देखो उधर पता नहीं कौन, वो ही वाला है शायद कि वो वाला है पता नहीं कौन सा भाई, एक बंदा था भाई बंदर था मतलब, वो पानी की बोतल खाली लेके पीने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा वही है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला यहाँ पे है, हाँ ये वाला ना नीचे बैठा है,
को तो चोट लगी है। तो बाबू को गुस्सा कर रहा है, पानी गिरा तो गुस्सा कर रहा है। पानी से देखो वो याद आया वो वाला वीडियो। ये ले ले, दे दो, खोल पाएंगे कि नहीं हम लोग? फेंक दूं क्या बताऊं मैं? दे दो, ले ले। नहीं फेंक दो, लोग खोल लेंगे, खोल लेंगे ना। फेंक दो, पानी उसके नाम से लिया, दे दो उसको। ले लो, काटते खोलते नहीं है, इनको खोलने नहीं आता, खोलने नहीं आता। खोल के देंगे तो पूरा गिर ही जाता। तो काट के पी लेगा, रहने दो, काट के पी लेगा। हाँ देखो पिएगा काट के। पी रहा लगता है, पी रहेगा क्या मान? पानी गिर तो रहा है उधर से, देखो गिर रहा, गिर रहा, देखो पिया पिया पी रहा, देखो पी रहा। तो ढक्कन खोलने नहीं आ रहा, तो ढक्कन खोलने नहीं आ रहा भाई, काट के पी रहा है। तो भाई घड़ी में बच गया है एक, और अभी हम लोग लोनावाला पहुंच गए हैं। एक नाश्ते के लिए ब्रेक लेना था, तो यहाँ पे एक गोल्डन वड़ा पाव है, गोल्डन वड़ा पाव काफ़ी फेमस था, सुना था मैं बोला चलो खाते खाते चलता हूँ। एक वड़ा पाव और एक समोसा पाव, रोटी है, खा तो लिया, लेकिन मतलब बहुत बेहतरीन नहीं है जिस तरीके से मैं नाम सुनता हूँ। 20 रुपये का वड़ा पाव है और 28 रुपये का समोसा पाव, ठीक है, खा लिया, पेट भरा, बस खाने का बुरा ही नहीं करना चाहिए। 2:08 और अभी हमारा घर यहाँ से कितना दूर है? घर एक्चुअली ना घर 7-8 किलोमीटर दूर रहेगा, और हम यहाँ से भाई जा रहे हैं भैया के घर पे, वहाँ से खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर अपने घर पे आएंगे। तो उनका जो घर है वो 14 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई। हालत ख़राब हो गई सच में, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था मेरा, तो ठीक है, लास्ट में 1.5 घंटे में अच्छा कवर हो गया ना गाड़ी, मतलब आराम से पूरा खाली मिला, रोड पूरा खाली मिला, और 70-75 की स्पीड में मैं गया, 75-78 कितना स्पीड में था, पूरा रोड खाली था, मतलब पूरे रोड पे मैं ही था ऐसा मुझे लग रहा था, और अच्छा कवर कर ले, ठीक है। चलो घर पे पहुँचे, तो 2 घंटे और लग जाए। हाँ नहीं तो अभी तो 2 घंटे भाई और लगते, मतलब अभी मैं आपको बता दूँ 9:30 बजे 10 बजे कितना निकले थे वहाँ, इसी के आसपास निकले, 9:30 बजे समझो अगर हम लोग निकले थे, अभी 2 बज रहा है तो बहुत जल्दी हम लोग आ गए, कल हमको 5.5-6 घंटा लग गया था, लेकिन आज फिर भी काफ़ी जल्दी है भाई, ठीक है। अभी देहू कैंट यहाँ पे है और काफ़ी अच्छा मतलब शांति है, थोड़ा बैठा हूँ भाई। घड़ी में बच गया 5:30 और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे, भैया के घर पे हम लोग आ गए थे भाई, और गाड़ी पंचर है हमारी, ठीक है, गाड़ी हमारी पंचर है, ऐसे हेलमेट लिया, ठीक है। ये यहाँ पे आने के बाद भाई पता चला ये गाड़ी मेरा ना मूव नहीं करा था यहाँ वहाँ, तो मैं सोचा क्या हो गया, बाद में देखा तो पता चला कि गाड़ी पंचर है, चलो पहले इनको भी बनवाऊँ, तब तो घर पर पहुँचे। पंचर है ना भाई, पंचर है, आवाज आ रही कैसे, तो धस गया पूरा। ये देखो भाई ये यहाँ से आ रही है, इसमें पूरा धस गया है कुछ, तो मेटल वाला, इसको निकालेंगे और इसमें कुछ डालेंगे। ये राम, ये है आपका पंचर की शॉप, पूरा ट्यूबलेस का भाई यही सही रहता है ना, मतलब वो जल्दी बन जाता है ना पंचर, टायर भी निकालना ही नहीं पड़ता है, खाली बस वो डाल दो अंदर। और क्या लेते पंचर का तुम? 70 रुपये। हमारी प्यारी पोनू ही पेनू, ये सामने वाली भाभी के पास थी भाई, और काफी अच्छे से उन्होंने रखा था इनको, पेनू को, पेनू मजा आया, चलो ठीक है चलो जाओ घर, ये बचा अपना, ए है
ये देखो घर भूल गई, चलो अंदर देखो कहाँ बोल रहे हो लोग। पकड़ 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 पकड़। हाँ अभी सही जगह पे आई हो। घुस गए। क्या हाल चाल? ठीक है चलो आ जाओ अंदर तुम लोग। भाई घर पे पहुंच गया फाइनली और हमारी प्यारी सी चाय यहाँ पे बनके तैयार है। जल्दी से इसे मैं पी लेता हूँ और भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है खाना वगैरह मैं बाबू के घर पे खा लिया था, बस सोने की तैयारी है। सोने का मतलब है कि थोड़ा अगर मन करेगा तो कुछ और खा लेंगे, अदरवाइज फिर सो जाएंगे। अभी टाइम है, अभी 7 ही बज रहा है। ठीक है और आज छठ का पूजा था, मतलब हमें जाना था, हम जा नहीं पाए। ख्याल से मैंने उतर गया, जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मतलब अगर पता होता तो मैं चले जाता। ठीक है आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। आप अगर ये ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा भाई तो भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और मेरे प्रयास कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताओ ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी ऐसे ट्रेवल के घूमने फिरने के बहुत सारी वीडियोज आपके सामने लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू ऑल।